जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, मैं ओम अनन्यास्टोर.com में आपका फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी मेरे पास कुछ नया लेटेस्ट कलेक्शन आता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूं फ्रेंड्स, लेकिन हर दिन मैं एक ही बात कहता हूं। आज मैं थोड़ा सा अलग आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग गुवाहाटी आसाम से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ का ना कुछ जो सबसे तीन जो सबसे ही ज़्यादा फेमस सिल्क है, जैसे मुगा सिल्क, एरी सिल्क, मलबेरी सिल्क। मलबेरी सिल्क मतलब, मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको डिटेल दे देता हूँ। मलबेरी सिल्क मतलब देखिए, जो यहाँ पे मुगा सिल्क तो मुगा सिल्क है, एरी सिल्क भी एरी सिल्क है, लेकिन जो आसाम सिल्क या मलबेरी सिल्क वो क्या है? तो देखिए, जो आसाम सिल्क मलबेरी सिल्क के नाम से जो फेमस है, वो एक्चुअली यहाँ पे प्रोनाउंस होता है लोकली कैसापात। जो यहाँ पे प्रोनाउंस होता है कैसापात, तो कैसापात जब कैसापात क्या है, तो रॉ फॉर्म ऑफ मलबेरी सिल्क, रॉ फॉर्म ऑफ आसाम सिल्क। और ये कैसा मतलब क्या है, कैसा मतलब है कच्चा। जी हाँ, कच्चा, इसीलिए यहाँ पे प्रोनाउंस होता है कैसापात। तो आज मैं आपको ये जो वीडियो है बहुत छोटा होने वाला है हमारा, तो आप प्लीज इसको एंटर जरूर देखिए। इसमें मैं आपको ना कुछ स्टॉल्स दिखाऊंगा जो एक्चुअली मुझे मुझे भी अच्छा लगा, और मेरे कस्टमर्स ने भी मुझे बताया कि ये वाला जो अभी स्टॉल मैं उनके पास गया है, मतलब मेरे यहाँ से उनके यहाँ जो गया है, मैं एक्चुअली होलसेलर हूँ, तो जो मेरे रिटेलर्स है उनके यहाँ जब गया तो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया, उन्होंने मुझे बताया कि ये पीसेस जो है अभी बहुत बढ़िया आया है, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, कस्टमर्स इसको पसंद कर रहे हैं, तो हमें अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है। तो मैं सोचा कि चलो मैं ये प्रोडक्ट आपके साथ भी शेयर करता हूँ, तो आज मैं वही करने वाला हूँ। तो देखिए, आज मैं आपको ये नहीं कि बहुत सारा प्रोडक्ट ले लिया, पांच छारी आ गया तो पांचों दिखा रहा हूँ मैं, वैसा नहीं। सारी तो एक्चुअली आज आने वाला है, मैं उसका भी आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये ऐसा नहीं है कि ये है कि मतलब ऐसा नहीं कि अभी आया अभी दिखा रहा हूँ जी, नहीं, ये हमारा रेगुलर प्रोडक्ट है। और ये जो सिल्क है वो भी 100% नेचुरल फाइबर है, और इसका जो डाई है वो नेचुरल डाई है। तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। ये सबसे पहला जो आपको गोल्डन कलर का दिख रहा होगा, ये देखिए, ये है आपका मुगा सिल्क। जी हाँ, ये है मुगा सिल्क, प्योर मुगा सिल्क। ये है क्या, देखिए इसका टेसल्स भी दिख रहा होगा, ये एक्चुअली है क्या, ये है स्टोल। जी हाँ, ये प्लेन स्टोल है। इस पे आपका सिर्फ आपको ये जो लाइन लाइन दिख रहा है, ये घीसा, घीसा मतलब क्या है, इसी का जो वेस्टेज होता है वो थोड़ा सा थिकर होता है, तो उसको ऐसे स्ट्राइप्स बना दिया जाता है। सेम कलर का है, कुछ भी अलग कलर नहीं है, जस्ट थोड़ा सा एक मोटा थिकनेस लाइन आ जाता है, आपको देखने में थोड़ा अच्छा लगे। एक्चुअली देखिए, कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो साड़ी हो, स्टोल हो, शॉल हो, दुपट्टा हो, कोई भी प्रोडक्ट आप लेते तभी है जब आपको अच्छा लगे। आप इमेजिन करती हैं उसको लेके कि आप उसके बाद यूज करने के बाद कैसा लगेगा, कैसा दिखेगा, एग्जैक्टली वैसा। तो ये अपने आप में एक बहुत ही फेमस कलर है। फेमस क्यों, क्योंकि इसका नेचुरल कलर है गोल्डन। मुगा सिल्क मतलब ये आपका, ये भी हो गया गोल्डन सिल्क ऑफ आसाम। तो ये जो है, ये आपका मतलब मुझे जैसा फीडबैक मिला, मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना इसको भी मैं आपको दिखाऊं। ये आपका मुगा सिल्क है, देखिए इसका जो वीविंग पैटर्न है आपको क्लियर दिख रहा है कैसा है। ये मुगा हैंड स्पन मुगा है। जी हाँ, हैंड स्पन, हाथ से जो स्पिन किया गया है मुगा वो है। और इसका जो एक्चुअली ड्यूरेबिलिटी है, वो हमने एक्चुअली, मैं तो कोई ये नहीं हूँ, रिसर्चर तो नहीं हूँ, बट जहाँ तक मुझे पता चला है इसके बारे में, जो लोग काफ़ी पहले से कर रहे हैं, 40 साल, 50 साल, 60 साल से जो लोग कर रहे हैं, उनसे मुझे ये पता चला कि इनका जो ड्यूरेबिलिटी है, इसका अंदाज़ा एग्जैक्टली कोई लगा नहीं सकता। ये जेनरेशन बाय जेनरेशन तक ये चल सकता है, बस इसको मेंटेन करना पड़ता है। ऐसा नहीं आप ले गए कहीं फेंक दिया या ऐसे कहीं छोड़ दिया, जी नहीं, इसको मेंटेन करने से ये कितने साल तक जाएगा, इसका अंदाज़ा एग्जैक्टली हम नहीं लगा सकते हैं। तो अभी ये मुगा सिल्क है वो मैंने आपको दिखाई, ये हैंडस्पन मुगा है, इसीलिए ज़्यादा सॉफ्ट है। और जो आपका एक और मुगा होता है जो ऐसे ही नॉर्मली स्पिन किया हुआ रहता है, मतलब नॉर्मली मतलब ऐसे ही, जैसे हम लोग पहले ज़माने में जैसे हुआ करता था, जैसे ये सब जो सिल्क होता है वैसे। ये एरी सिल्क है बाय द वे, तो ये भी एक हैंडस्पन, हैंडस्पन मतलब ये थोड़ा सा प्रोसेस्ड करके इसको सॉफ्ट बनाया जाता है। तो ये एक मुगा सिल्क है, और ये स्टोल है, देखिए आप ये कर पा रहे होंगे, फील कर पा रहे होंगे कि ये कितना सॉफ्ट है, ये हैंडस्पन मुगा है।
ये टॉप सिल्क ऑफ आसाम, द गोल्डन सिल्क ऑफ आसाम, मुगा सिल्क, ये एक हो गया। अभी दूसरा जो है वो है हमारे पास एरी सिल्क स्टोल। जी हाँ, ये कलर तो आपको पता चल गया होगा, ये है एरी सिल्क स्टोल। देखिए इसका जो डिजाइन है वो फुल्ली नेचुरल ट्रेडिशनल डिजाइन है, और इसका जो फाइबर है वो नेचुरल डाई है, कलर भी नेचुरल डाई है, डिजाइन है गॉस बूटा। इसका जो मटेरियल है वो 100% एरी सिल्क है, वॉप एंड वेब दोनों ही एरी सिल्क है। और ये जो आपको गोल्डन कलर का दिख रहा है डिजाइन वर्क, ये है मुगा घिसा। मुगा घिसा क्या है, जैसे ये आपका मुगा है, ये देखिए इसका कलर एक्चुअली ये नेचुरल कलर है, इसका कोई डाई किया गया नहीं है। तो इसी का जो वेस्टेज होता है वो ये होता है घिसा। ये भी एक्चुअली 100% सिल्क है, ये भी 100% सिल्क है। और इसका जब ये वेस्टेज जो घिसा जो होता है ना, इसे जो घिस के जो निकलता है तो ये थोड़ा सा थिकर हो जाता है, तो उसको डिजाइनिंग के लिए जब हम लोग यूज करते हैं तो ये बहुत ही बेहतरीन एट्रैक्टिव लुक देता है, और ये जल्दी डिसकलर नहीं होता है। जैसे हमने कुछ मान लीजिए ऑर्डिनरी यार्न हो गया, हम लोग उसको रेगुलर वॉश करते हैं तो वो डिस्कलर होता है, बट ये नहीं होता है, ये उल्टा और ज़्यादा एट्रेक्टिव गॉर्जियस होता है आफ्टर डेली रेगुलर डेली सॉरी डेली बेसिस पे जब आप यूज़ करते हैं, डेली या कभी कभार जब भी आप यूज़ करते हैं तो ये और भी बेहतरीन होता है। तो ये हमारा आज का स्टोल है, एरी सिल्क का स्टोल है। अभी और भी एक स्टोल है, वो नया डिज़ाइन है, मतलब जो मुझे कस्टमर से बढ़िया फीडबैक मिला वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, प्रोडक्ट भी मैं वही दिखा रहा हूँ। तो अभी जो अगला स्टोल है मेरा, ये भी आपका एरी सिल्क ही है। ये देखिए, ये तो मेरा मुझे एक्चुअली बहुत पसंद है इंडिगो डाई, नेचुरल इंडिगो डाई। ये डिज़ाइन है आपका, ये देखिए डिज़ाइन, डिज़ाइन यार्न है मुगा घिसा, और इसका जो पूरा बॉडी है वो उसमें आपको राउंड बूटा मिल जाएगा, ये देखिए। तो इसका जो स्टोल है, ये स्टोल है, और इसका जो वॉप एंड वेफ्ट है वो 100% एरी सिल्क है, और इसका जो डिज़ाइन थ्रेड है वो मुगा घिसा है, और इसका जो डाई है वो भी नेचुरल डाई है। तो ये हम लोगों का जो आज, मतलब यस्टरडे हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिला हमारे रिटेलर से, तो रिटेलर्स को एक्चुअली उनके जो कस्टमर्स हैं उन्होंने बहुत पसंद किया, बहुत अप्रिशिएट किया। तो वही मैं सोचा कि चलो मैं आपके साथ भी ये चीज़ को शेयर करता हूँ, और कुछ प्रोडक्ट्स को भी मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये एक्चुअली मैं आपको दिखाना चाहता था कि चलो ठीक है, मेरे कस्टमर्स को ये पसंद आ रहा है, तो मैं वही कोशिश करता हूँ बनाओ वही जो आपको पसंद आए, और आप उसको यूज करने के बाद आप खुद को फील कर सके कि हाँ ये प्रोडक्ट बढ़िया है, अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर हमारा डिटेलिंग आपको अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और आपको चाहिए कि हाँ आपको और ज़्यादा डिटेल्स चाहिए, और ज़्यादा प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको पूरा डिटेल दूंगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा, जितना मैं जानता हूँ वो मैं आपको बताऊँ। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।